नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मेहनत के बाद भी नहीं मिलती सफलता तो क्या करें, चमत्कारी उपाय। मुश्किल काम को कैसे करें आसान, कैसे बनेंगे धनवान। माँ लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न, देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हर व्यक्ति सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीना चाहता है। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत भी करता है। हालांकि कई बार व्यक्ति को उसके कर्म के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत करे लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आ पाते, तो ज्योतिष विज्ञान में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे करने के बाद व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वो धनवान बन जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में पंडित जी से जानेंगे कि आखिरवार वो कौन से उपाय हैं जिनके करने पर व्यक्ति धनवान बन सकता है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि एक व्यक्ति पर माँ की कृपा कैसे बनी रहती है। जी, यदि कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अधिक परिश्रम करने से भी व्यक्ति को वह सफलता नहीं मिल पाती है जिसका वह हकदार है या जिसकी वह उम्मीद रखता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और कहीं न कहीं उसके मन में अपने ही काम के प्रति क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने काम किया है वह ठीक नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और ऐसे में वह जातक या वह व्यक्ति किसी न किसी चमत्कार की आशा करता है भगवान से। यदि व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो फिर व्यक्ति के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से बनाया जा सकता है या यूँ कहें बन सकता है। क्योंकि जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करई सब कोई। जिस पे प्रभु कृपा करते हैं, जिसका काम स्वयं ईश्वर बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उस पे संसार के समस्त लोग उस पे कृपा करते हैं और उसके काम में सहायक सिद्ध होते हैं। हाँ, इतना जरूर है, आज के समय में जिस भौतिकतावादी संसार में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। इन उपायों करने से आपको जहाँ मानसिक शांति मिलेगी वहीं आपके भाग्य में भी परिवर्तन होगा। और आज इस कार्यक्रम के दौरान आपको हम ऐसे ही कुछ अचूक और चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। एक बात यकीन रखें कि मैं जो भी उपाय बताता हूँ यह ऐसे कोई उपाय नहीं जिसको करने में बहुत कठिनाई आए। यह हमारे और आपके जीवन दिनचर्या का एक हिस्सा ही होता है। केवल थोड़ी सी अपनी दिनचर्या में अगर परिवर्तन कर लिया जाए, थोड़ी सी अपनी आस्था और विश्वास को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाए, अपने मन में उनके स्वरूप को, उनके ध्यान को धारण कर लिया जाए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर दी जाए, तो यही पर्याप्त होगा। उनके प्रति आपके समर्पण आपके पूजा का काम मान लिया जाएगा। कुल मिलाकर के आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ आपके लिए बहुत चमत्कारी और कारगर सिद्ध होंगे। जैसे माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप बहुत सरल उपाय कर सकते हैं, इससे आपके जीवन में आसानी आ जाएगी और आप अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात देखिए, अगर इस भौतिकतावादी संसार में जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है उसका मूल अर्थ है, अर्थ मतलब धन, क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी काम सांसारिक जगत में नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर इंसान को अपने परिश्रम से केवल और केवल पहला काम करना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए। धन की स्थिति के बाद ही जो है उसको अपने कामनाओं की पूर्ति का मार्ग मिलेगा। और जब तक कामनाएं नहीं पूरी होंगी, जब तक इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, जब तक उसका इस संसार के विषयों से मन तृप्त नहीं होगा, तब तक वह मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, हमारे शास्त्र भी ऐसे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना आपके लिए अति अनिवार्य है। इन उपायों को करके आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो मैं उपाय बताता हूँ इनका प्रभाव तभी होता है, ये तभी कारगर होते हैं जब बताए गए नियमानुसार
जब आप इन्हें विधि विधान और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के रूप में ही आपके कार्य की सिद्धि होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी अश्रद्धा होगी और कोई गलती करेंगे तो सारे किए कराए काम पे पानी फिर सकता है, ख़राब हो सकता है और आपको आपके द्वारा किए गए यत्न का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो मैं उपाय आज बता रहा हूँ, इनको करते समय कुछ विशिष्ट सावधानियाँ ज़रूरी हैं। तो आज आइए आपको बताते हैं ऐसे अनोखे, सरल और शीघ्र से धन प्राप्त करने के कुछ अचूक और चमत्कारी उपाय। तो सबसे पहला, इस क्रम में पहला उपाय होगा कि आपको क्या करना है कि प्रतिदिन सुबह के समय आप जल्दी उठें। देखिए, प्रातःकाल सूर्योदय के साथ अगर बिस्तर का त्याग कर दिया जाए तो वैसे ही दरिद्रता आपका साथ छोड़ देगी। और इसके बाद मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे से जल लेकर के जल का छिड़काव करें। देखिए, तांबा कहीं ना कहीं ऊर्जा का केंद्र होता है, वह ऊर्जा उसमें होती है, प्राकृतिक रूप से सन्निहित रहती है और उसमें जल डाल करके, क्योंकि तांबे के लोटे से ही भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से जल पीने में शरीर में तमाम तरह के जो टॉक्सिन होते हैं, जहर होते हैं, वह शरीर से निकल जाता है। तो यह बहुत चमत्कारी होता है ताम्र पात्र। और इसमें जल डाल के यदि घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो निश्चित रूप से इसे एक सकारात्मक ऊर्जा का बंध पूरे घर के आसपास बनेगा। मुख्य द्वार से कभी भी किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। सब उस घर में रहने वाले लोगों की मन बुद्धि बिल्कुल सकारात्मक और सक्रिय रूप से काम करती रहेगी। इतना जरूर है कि यदि यह काम घर की कोई महिला करे तो सोने पे सुहागा, मतलब बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में आर्थिक समृद्धि आरंभ हो जाएगी, घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तमाम तरह के आर्थिक उपबंध, आर्थिक रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बुधवार के दिन माता लक्ष्मी की विशिष्ट आराधना करने का प्रावधान है। बुधवार के दिन आप धन से संबंधित लेन देन, जैसे आप किसी को उधार दे रहे हैं या धन का भुगतान कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि बुधवार के दिन किसी को धन आप उधार न दें, क्योंकि इससे धनागमन में रुकावट आती है। ये छोटी सी प्रक्रिया, केवल ध्यान रखना है। और बुधवार के दिन सुबह माता लक्ष्मी का पूजन, ध्यान, अर्चन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी, अच्छा एक बात आपको बता दूँ कि लक्ष्मी माता व्यापारे वस्ते लक्ष्मी, व्यापार में निवास करती हैं माता लक्ष्मी, ऐसी सुभाषितानी कही गई, हमारे पूर्वजों ने कही है कि व्यापार के मार्ग से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। और जन्म कुंडली में जब हम किसी की व्यापार की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो बुध को विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाता है कि अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से व्यापार से धन प्राप्त करेगा। इसलिए बुध व्यापार का स्वामी, व्यापार में निवास करने वाली माता लक्ष्मी, इन दोनों का सामंजस्य जब आप अच्छे से बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन समृद्धता की वृद्धि होगी। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? जीवन में धन की कमी ना हो, पंडित जी इसके लिए भी कुछ उपाय जरूर बताइए। और साथ ही मंत्र कौन सा उच्चारण करें जिसकी वजह से माँ की कृपा उन पर बनी रहे? जी, अभी तक हमने आपको दो सरल उपाय बताए, एक तांबे के लोटे से जल छिड़कने का और दूसरा महालक्ष्मी के बुधवार के दिन उपासना का। अब देखिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ और उपाय हैं। इस क्रम में आपको क्या करना है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन जब लाभ की चौघड़ी आए उस समय महालक्ष्मी का पूजन करें तो यह अति उत्तम माना जाता है। लेकिन किसके लिए? देखिए, जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुछ कुंडलियों में पितृदोष होता है। पितृदोष होने की वजह से कहीं ना कहीं घर में दरिद्रता आती है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, जो लाभ के मार्ग होते हैं अचानक से बंद हो जाते हैं, चलती हुई जीविका रुक जाती है। तो ऐसे में ये तमाम जो इसके बाधा के कारण होते हैं वह कुंडली में पितृदोष हो सकता है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि पितरों की तिथि कही जाती है, पितृ अमावस्या के स्वामी होते हैं। तो अमावस्या के दिन जैसे पितृकर्म किया जाता है, उसी तरह से अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के मोक्ष के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है और अपने घर में धन संपन्नता की वृद्धि के लिए भी माता लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है। तो अमावस्या के दिन ध्यान रखें, लाभ की चौघड़िया में माता लक्ष्मी की यदि उपासना की जाए तो निश्चित रूप से यह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय है। और यदि यह विधि विधान के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से करने वाले के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। लक्ष्मी कृपा
पूजा करने वाले के साथ साथ जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी बरसती है और इससे व्यक्ति को धन लाभ होता है, व्यापार में उन्नति होती है, जीविका में प्रगति होती है। यदि गुरुवार के दिन आपको अधिक धन का लाभ हो रहा है या कहीं न कहीं आपको व्यापार से अधिक लाभ गुरुवार के दिन मिल रहा है तो यह संकेत मानिए कि माता लक्ष्मी ने आपके ऊपर कृपा की है। बृहस्पतिवार को मिला हुआ धन श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से ही मिलता है व्यापार में। विशेष करके अगर आप नौकरी में हैं और आपकी तरक्की गुरुवार के दिन हो रही, वेतन वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपने कुछ जरूर माता लक्ष्मी के प्रसन्नार्थ जप तप व्रत इत्यादि किए हैं। तो ऐसे में अगर धन आपको उस दिन मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको 15, 30, 45 या 60 का अनुपात बनाकर उसे एक लिफाफे में रख लें, उन पैसे को, नोट को, जो भी आपको मिल रहा है पैसा, उस धन को 15, 30, 45 और 60 के अनुपात में करके और अपने एक लिफाफे में रख के अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें। यह देखिए एक तरह का टोटका है, यह एक आकर्षण की प्रक्रिया है, इससे धन का आकर्षण होता है। इस उपाय के करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी जब तक वह पैसा रखा रहेगा। और प्रत्येक शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर साफ सफ़ेद वस्त्र पहनकर उसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष खड़े होकर के हाथ जोड़िए और मंत्र का उच्चारण करिए। क्या मंत्र है? क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। मतलब आपने माता लक्ष्मी से यश मांगा, कीर्ति मांगा, धर्म मांगा, धन मांगा, घर में आपने तमाम तरह की संपन्नता की, वस्तुओं की प्राप्ति की कामना की माता लक्ष्मी से, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी की सिद्धि बिना लक्ष्मी की आराधना की नहीं हो सकती है। अगर आप दुकान चलाते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो घर से निकलते समय खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए, अपनी जेब में कुछ न कुछ पैसे लेके जरूर जाना चाहिए। वैसे भी आज के इस भौतिकतावादी संसार में हमेशा कुछ न कुछ पैसे ऐसे भी रखना चाहिए, लेकिन अगर खास करके कहीं ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो कुछ रुपए अपने पॉकेट में जरूर लेके निकलें। भले प्लास्टिक मनी का ज़माना है, लेकिन फिर भी नकदी के रूप में कुछ आपके जेब में जरूर होना चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज बन गया है या कोई आपने उधार ले रखा है, कोई बैंक से आपने लोन करा रखा है और आपको उस कर्ज को चुकाना है, मतलब तमाम ऐसे प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर्ज भारी होता जा रहा है और कर्ज आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन कर्ज की धनराशि देने के लिए चुने। मतलब जो आप ईएमआई देते हैं या आप पैसा चुकाना चाहते हैं तो जो उसकी पहली किस्त है थोड़ा सा ही पैसा मंगलवार के दिन से देना आरंभ करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक वैलिड रीजन है, एक बड़ा कारण है। जब किसी की कुंडली में मंगल खराब होता है, मंगल की बुरी दृष्टि की वजह से ही व्यक्ति ऋण और दरिद्रता के बंधन में बंधता है। ऋण शब्द ही मंगल के कारण उत्पन्न हुआ है, तो कहीं ना कहीं मंगल 12वें होता है। मंगल लाभ का स्वामी हो के 12 बैठ जाए, धन का स्वामी हो के 12 बैठ जाए, तो ऐसे जातक ताउम्र कर्ज की स्थिति से बंधे रहते हैं, कभी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आप कर्ज मुक्त हों, संसार में किसी भी तरह का ऋण आपके ऊपर ना हो, तो मंगलवार के दिन से कर्ज उतारना आरंभ करिए। यकीन जानिए निश्चित रूप से ईश्वर की सहायता से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। प्रतिदिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप एक मंत्र बताता हूँ उसका स्मरण करें। स्मरण करने के साथ साथ उस मंत्र का बोलें तो निश्चित रूप से आपके ऊपर महालक्ष्मी कृपा होगी। मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। देखिए यह देश की पवित्र नदियाँ हैं, इन देश की पवित्र नदियों के ही आधार पर पूरे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी आर्थिक संपन्नता वहीं आ सकती है जिस क्षेत्र में जल की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि भारतवर्ष या पूरी दुनिया में आर्थिक उन्नति का मूल आधार नदियां रही हैं। तो ऐसे में ये नदियां हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में देवी की स्वरूपा मानी गई हैं, इन्हें दैवी शक्ति संपन्न कहा गया है। इनका ध्यान करने से जल अस्मिन सन्निधं कुरु, मतलब जो आप इनका ध्यान कर रहे हैं, आप ये कल्पना कर रहे हैं कि जो भी आप जल ग्रहण कर रहे हैं सब इन पवित्र नदियों से कहीं ना कहीं शुद्ध हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान रखें ये प्रातःकाल करने का विधान है, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो उपाय तो आपको पंडित जी ने बता दिए,
लेकिन अब जानते हैं कि क्या रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना फलदायी होता है। भाग्योदय के लिए रविवार के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए। जी, अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए, अपने जीवन में भाग्योदयकारी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए जो भी आप उपाय कर रहे हैं, अगर वो उपाय रविवार के दिन किए जाएं तो सबसे बेहतर फल देने वाले हो जाते हैं। यदि सूर्य को समर्पित करके कोई पूजा, कोई पाठ, कोई उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से आपके लाभ के प्रसन्नता में वृद्धि होती है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य को मजबूत करना है तो रविवार के दिन उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन माना जाता है। इससे सूर्य देव अधिक प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। इन उपायों को करने से सूर्य का पूर्ण कृपा मिलता है। सूर्य की कृपा से जीवन में तमाम तरह की अड़चनें समाप्त होती हैं। सूर्य को साधक मान करके, सूर्य को साध्य करने के लिए साधक के लिए उपाय करें तो निश्चित रूप से ऐसा उपाय करने वालों के करियर में, कारोबार में जल्दी ही तरक्की मिलती है। मतलब ऐसे लोग बड़ी तेज गति से उन्नति करना आरंभ कर देते हैं और ऐसे लोगों को जीवन में खूब सम्मान मिलता है, धन के कई रास्ते भी मिल जाते हैं। रविवार के दिन आपको क्या करना है वो बताता हूँ। रविवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन संपत्ति की बरकत होती है। याद रखें, रविवार के दिन पीपल को जल नहीं दिया जाता है, लेकिन दीपक आप जला सकते हैं। रविवार के दिन सुबह जल्दी जगें, हो सके तो सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। इसके बाद स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन के सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करें और उसमें रोली, अक्षत, लाल फूल डालें। लेकिन ध्यान रखें, आप उसमें गुड़ नहीं डाल सकते, मीठा शहद नहीं डाल सकते हैं। केवल रोली, अक्षत, लाल फूल का प्रयोग करें, क्योंकि तांबे के पात्र में गुड़ या मीठा डालने से कहीं ना कहीं एक ऐसा केमिकल बनता है जो दूषित पदार्थ को जन्म देता है। तो ऐसे में तांबे के पात्र में मीठा नहीं डालना चाहिए सूर्य को अर्घ देते समय। अगर आप मीठा डालना चाहते हैं तो तांबे की जगह पीतल या स्टील के बर्तन का प्रयोग करें। ये सभी चीज़ें सूर्य से संबंधित हैं और सूर्य के ठीक करने के लिहाज से इन वस्तुओं के साथ जल में मिला के अर्घ देने से निश्चित रूप से सूर्य की कृपा मिलती है। और जन्म कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य को जन्म कुंडली में आत्मा का कारक, आत्मविश्वास कारक, भाग्य का कारक, राजसी सुख का कारक, नेतृत्व का कारक माना गया है। सूर्य को दोनों हाथों से अर्घ देते समय हाथों की ऊंचाई इतनी रखें कि जल के धार के बीच से आप सूर्य को देख सकें। साथ ही अर्घ देते समय उसका जल आपके पैरों पर न गिरे, यह सावधानी जरूरी है। इसके लिए आप अपने सामने कोई ऐसी स्थिति रखें कि जो भी जल गिरे किसी गमले या गहरे बर्तन में गिरे, ताकि उसका जो छींटा है आपके पैर पे पड़े, लेकिन जल आपके पैर पे ना पड़े, क्योंकि यह कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय आप आदित्य हृदय स्रोत या आदित्य के निमित्त जो उनके 12 नाम हैं उसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आदित्याय नमः, मित्राय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपने साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि वाल्मीकि रामायण में रावण का वध करने से पहले उसके वध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था। इसके अलावा आप यह कोशिश करें कि रविवार का व्रत रखें। तो जैसे प्रभु श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा जो लंका विजय थी, जो रावण का वध था, वह किया था, उसी तरह से वाल्मीकि रामायण के आदित्य स्रोत का अगर पाठ आप भी करेंगे तो जहां प्रभु श्री राम की कृपा मिलेगी, वहीं श्री सूर्यनारायण की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, धन की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि रविवार के दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कैसे रविवार के दिन इन उपायों को करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय किए जाएं। साथ ही पंडित जी ये भी बताइए कि क्या घर में कौड़ी और शंख रखा जा सकता है, और अगर लोग रखते हैं तो उसका कितना फल उनको मिलता है। जी, पीला रंग माता महालक्ष्मी संबंधित है। जब विशिष्ट साधना में कुंडली जागरण किया जाता है तो माता लक्ष्मी के स्वरूप की जो परिकल्पना की गई है वो पीले रंग में की गई है। जब आप दुर्गा सप्तशती का या
कुछ दुर्गा के अगम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे माता महालक्ष्मी का जो रंग बताया गया है, जो वो वस्त्र धारण करती हैं, वो पीले रंग का है। प्रायः पूजा के दौरान हम देखते हैं कि लाल रंग के ही वस्त्र उन्हें समर्पित किए जाते हैं, लेकिन जब कुंडली जागरण की बात होती है या जब अगम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं माता महालक्ष्मी का जो वस्त्र का रंग है वो पीला है। तो ऐसे में पीला रंग महालक्ष्मी के लिए बहुत शुभकारी माना जाता है, उनका प्रतीक माना जाता है। तो आपको कुछ उपाय पीले रंग से संबंधित करने हैं। क्या करना है कि आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले लें। सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें। कौड़ियों के अलावा एकाक्षी नारियल या कोई भी नारियल जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है, विधि विधान से पूजा करके उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी अपनी अलमारी में रख दें। यह तो हो गया बहुत सरल उपाय कौड़ियों नारियल से संबंधित। अब आपको माता महालक्ष्मी के भाई के बारे में बताता हूँ। देखिए, माता महालक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, ये सिंधु सुता कही जाती हैं। रत्नाकर की कन्या हैं माता महालक्ष्मी। ऐसे में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी, और उसके बाद नारायण ने उनको अपने वामांग में स्थान दिया। माता महालक्ष्मी चूँकि समुद्र से उत्पन्न हुई और शंख भी समुद्र में ही मिलता है, शंख का स्थान समुद्र होने के कारण कहीं न कहीं माता महालक्ष्मी और शंख का सीधा संबंध बन जाता है। ऐसे में माता महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख प्रयोग में लिया जा सकता है, और शंख कहीं न कहीं माता महालक्ष्मी का भ्राता बनता है, भाई बनता है। जिस घर में शंख होता है वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर में शंख अवश्य ही रखना चाहिए। प्रत्येक दिन अगर जिस घर में शंख बज रहा है, शंख की ध्वनि गूंज रही है, वहाँ पे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का निवास वास नहीं हो सकता है। और यह शंख दो तरह के होते हैं, एक दक्षिणावर्ती शंख, एक जो है बजने वाला शंख। दक्षिणावर्ती शंख बज तो नहीं सकता है, लेकिन अगर दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का अभिषेक किया जाए तो यह जो श्री चक्र की साधना होती है पूर्ण समझी जाती है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन आप पीपल को जड़ चढ़ा करके उसकी पूजा आराधना करेंगे तो भी धन और समृद्धि में वृद्धि होगी। लेकिन पीपल को जल वो लोग चढ़ाएं जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि 12वें भाव में विराजमान है, शनि की वजह से दिक्कत आ रही है, उनके लिए निश्चित रूप से पीपल को जल देना, पीपल के सामने दीपक जलाना श्रेष्ठ साबित होगा। घर के ईशान कोण को हमेशा खाली रखना चाहिए। खाली रखने से यहाँ संबंध ये है कि उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ वजन की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ईशान के देवता गुरु होते हैं और ईशान देवस्थान कहा जाता है। सभी देवताओं का जो वास स्थान है घर के ईशान कोण में कहा जा सकता है। हो सके तो वहाँ पे जल से भरा एक पात्र रखें, मतलब जल का स्थान भी होता है ईशान। ईशान भगवान शिव का नाम है, तो ऐसे में उस स्थान को साफ रखें, वहाँ पे हमेशा सफाई रखें, वहाँ पे देवताओं को रखें, घर के मंदिर का निर्माण उस ईशान कोण में करें, तो निश्चित रूप से अगर ईशान आपका बलशाली है तो आपकी रक्षा आपके कुल के देवता करेंगे, ईश्वर आपकी रक्षा सदैव करते रहेंगे। बाँस के निर्मित बाँसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मानी जाती है। बाँसुरी बजाते भी भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप उन्हें बांसुरी समर्पित करें। जिस घर में बांसुरी रखी होती है उस घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहता है, क्योंकि भगवान ने बांसुरी बजा करके ही रास किया था। जो भगवान महारास करते हैं रास पूर्णिमा के दिन, उस रास का जो मुख्य आधार है, वह जो ध्वनि है, वह जो संगीत है, वह प्रभु श्री कृष्ण के बांसुरी से ही निकलती है। उसी बांसुरी की ध्वन पे मधुर जो है ध्वन पे सब मोहित हो जाती हैं, और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करती हैं। सिर्फ गोपियाँ ही नहीं, मानव ही नहीं, सभी देवी देवता संसार के त्रिदेव भी उस ध्वनि के कारण मोहित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने का प्रयत्न करते हैं। और यह महारास का मूल आधार होने की वजह से अगर आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ पारिवारिक संपन्नता रहेगी वहीं परिवार के लोगों के बीच में परस्पर प्रेम बना रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने महाकाव्य रामचरितमानस में कहते हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। मतलब जहाँ के परिवार के सदस्यों में सुमति
सुमति का अर्थ होता है समान बुद्धि, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ पे सुमति होगी वहाँ तमाम तरह की संपन्नताएं, तमाम तरह की संपत्तियाँ अपने आप रहेंगी, अष्ट लक्ष्मी उस घर में निवास करेंगी। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ पे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, एक उत्तर जाए दूसरा दक्षिण जाए, किसी बात पे जो है आपका एकमत न हो पाए, तो ऐसे स्थान पे ऐसे परिवार में विपत्ति निदाना, नाना प्रकार की विपत्तियां सदैव घर बना के रहने लगती हैं। तो पंडित जी ने आज के इस प्रोग्राम में आपको बताया कि शंख कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, कौड़ियां किस तरीके से भाग्योदय दे सकती हैं। इसके साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि सूर्य को अर्घ्य देना कितना ज्यादा फलदायी हो सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।